नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं कृषि विभाग वैकेंसी 2023 के बारे में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कृषि विभाग वैकेंसी निकाला गया, भर्ती निकाला गया। तो आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या रखा गया है, वैकेंसी कितना रखा गया है, तो वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पे बताएंगे। तो अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कृषि विभाग पे, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के। तो इस प्रकार से होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ यहाँ पे व्हाट्स न्यू के सेक्शन में आइएगा तो आपको यहाँ पे कृषि विभाग यहाँ पे अर्ज करने साथ ही लिंक जो मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पे दूसरे लिंक पे ले जाएगा, IBPS के लिंक पे, जो कि इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डेट बताया गया है जो 6 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 6 अप्रैल से, और लास्ट डेट जो है 20 अप्रैल का है। मतलब आज तक कहीं डेट है आपके पास, जितना जल्दी हो सके आप इसमें अप्लाई कर दीजिए जल्द से जल्द। और इसमें एडिटिंग का भी डेट आपका 20 तारीख तक ही है। लास्ट डेट जो यहाँ प्रिंटिंग करने का है एप्लीकेशन को, वो 5 मई तक का है। अगर आपको यहाँ अप्लाई करना है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद यहाँ पे आप लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर महाराष्ट्र की तरफ से आया हुआ है। पोस्ट यहाँ पे देखिए बहुत सारा है, जैसे कि सीनियर क्लर्क के लिए रखा गया है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए है, स्टीनोटाइपिस्ट के लिए और स्टीनोग्राफर के लिए यहाँ पे निकाला गया है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो रखा गया है 218 रखा गया है। आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा, ऑनलाइन मोड है। एज लिमिट जो यहाँ रखा गया है वो मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा ज़्यादा आपका 40 ईयर्स तक का होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो आपको यहाँ एज में छूट मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको यहाँ पे जनरल OBC के लिए 720 रखा गया है, और SC ST से आते हैं अगर आप कैंडिडेट हैं तो 650 रुपये रखा गया है। पेमेंट मोड जो है आपको ऑनलाइन ही करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको कम से कम यहाँ पे 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th भी पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, 12th ग्रेजुएट पास है तो अप्लाई कर दीजिए। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो आपको मैंने बता दिया है, 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है आज तक कहीं है 20 अप्रैल का। तो आप जल्द से जल्द यहाँ पे जाके अप्लाई कर दीजिए।